भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और भी ना जाने कितने महान लोग थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया और उसी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए आज भी इस देश के शेरवीर जवान दुश्मनों के शिकार करने के लिए पीछे नहीं हटते। फिर चाहे दुश्मनों की गोलियां शरीर के आर पार क्यों ना हो जाए, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ते रहते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के दो जवानों की शेरवीर की कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सबसे पहली कहानी है राइफल मैन जसवंत सिंह रावत की, जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। बात है 1962 की, जब भारत और चीन युद्ध के दौरान फोर गढ़वाल राइफल के सैनिक लूणा नाम की भीषण लड़ाई में लगे हुए थे। तभी जसवंत सिंह रावत को और बाकी लोगों को वापस आने का ऑर्डर मिला, क्योंकि उस वक्त उनके पास हथियारों की कमी थी। लेकिन जसवंत सिंह रावत ने कमांडिंग ऑफिसर के आदेश को ठुकरा दिया। उन्होंने उस युद्ध के मैदान को छोड़ने से मना कर दिया और चीनी सेना के खिलाफ युद्ध में डटे रहे। जसवंत सिंह रावत ने अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को जमीन पर गिरते हुए देखा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। और उन्होंने चीनी सैनिकों को 3 दिन तक बेवकूफ बनाकर सामना करते रहे और लगभग 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह सिर्फ अकेला है और बेवकूफ बनाकर सैनिकों को मार रहा है, तो चीनी सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन दुश्मनों के हाथों मरने से पहले खुद को गोली मार ली। उसके बाद चीनी सैनिक गुस्से में आकर उनका सिर काट कर ले गए, लेकिन उसे लौट कर आना पड़ा क्योंकि वो भारत का शेरवीर जवान का सिर था। जसवंत सिंह रावत को इस बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की, जिन्होंने मौत को भी मात दे दी और आज भी जिंदा है। बात है 1999 की, जब कश्मीर पर एक बार फिर से हमला हो गया और पाकिस्तानी सैनिकों ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। वहां पर भारतीय जवान पाकिस्तान सैनिकों से भिड़ चुके थे। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव घातक कमांडो टीम का हिस्सा थे। उन्हें दुश्मनों पर हमला करने और फिर से टाइगर हिल पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। देरी ना करते हुए वो जल्दी 16,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने लगे। वो एक अंधेरी रात थी जब वो देश के लिए इस मिशन की शुरुआत की। पहाड़ी पर चढ़ने वाले थे, लेकिन दुश्मनों ने अचानक हमला बोल दिया। ऊपर से लगातार गोलीबारी हो रही थी, काफी सैनिक घायल होकर नीचे गिर पड़े। सूबेदार यादव ने पीछे मुड़कर देखा तो महसूस किया कि आधी पलटन खत्म हो चुकी है। उन्हें खुद को 3 गोलियां लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पहाड़ी पर चढ़ना जारी रखा। पहाड़ी पर चढ़ने वाले थे, लेकिन दुश्मनों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। पहाड़ी पर चढ़कर दुश्मनों के एक बैंकर को ग्रेनेड फेंककर उड़ा दिया। सूबेदार यादव पूरी तरह से घायल हो चुके थे, लेकिन वो अपने साथियों के साथ डटे रहे और 6 घंटे की लड़ाई के बाद उन्होंने गोलीबारी बंद कर दी। सूबेदार यादव ने जब नजरें घुमाई तो ऐसा लगा कि सब मर चुके हैं। अगली सुबह कुछ पाकिस्तानी सैनिक वहां पर यह देखने आए कि कोई जिंदा तो नहीं बचा है, लेकिन तभी सूबेदार यादव और उनके कुछ साथियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। गोलियों की आवाज सुनकर पाकिस्तान के 30 से भी ज्यादा सैनिक वहां पर आ गए, लेकिन सूबेदार यादव और उनके साथियों के पास गोला बारूद खत्म हो चुके थे। उन्होंने 2 सैनिकों को सूबेदार यादव के सामने गोली मार दी। सूबेदार यादव ने मरने का नाटक किया, लेकिन फिर भी दुश्मनों ने सूबेदार यादव के सीने में 2 गोलियां मारी। जिंदा होने के बावजूद भी सूबेदार यादव ने एक आवाज तक नहीं निकाली। जब दुश्मन वहां से लौटने लगे, तब सूबेदार यादव ने अपनी जेब से ग्रेनेड निकाला और दुश्मन के सिर पर दे मारा, जिससे उसके सिर के चीथड़े उड़ गए और टाइगर हिल पर फिर से तिरंगा लहरा दिया। सूबेदार सिंह यादव को 15 गोलियां लगने के बाद भी आज भी जिंदा है। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।